यार आधार कार्ड डाउनलोड करना था, लेकिन मोबाइल नंबर रजिस्टर ही नहीं है तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो फिर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर लिया है तो उसको डाउनलोड फाइल को खोलते कैसे हैं, पासवर्ड मांगता है ना। तो दोस्तों अगर आपको भी इन सारी बातों को जानना है, इसका सोल्यूशन, तो बने रहेंगे हमारे वीडियो के साथ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमें अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो काफी लोगों को डाउनलोड करने नहीं आता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि आप अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल के माध्यम से घर बैठे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें आती है, पहली बात तो अगर मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर है तो डाउनलोड बड़ी आसानी से हो जाता है, अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो फिर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इन सारी बातों को इस वीडियो के अंदर मैं बड़ी आसानी से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। और दोस्तों एक समस्या और भी आ जाती है, काफी जने मोबाइल के माध्यम से उस आधार कार्ड को डाउनलोड तो कर लेते हैं अपने आधार कार्ड को, लेकिन उस आधार कार्ड की फाइल को, मतलब जो फाइल जहां पर बन के क्रिएट हो जाती है उसको खोल नहीं पाते, क्योंकि वहां पे पासवर्ड मांगा जाता है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में हम तीन बातें जानेंगे, मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आधार कार्ड डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो उसको डाउनलोड कैसे किया जा सकता है उसका सुझाव दूंगा आपको, प्लस तीसरी है कि अगर डाउनलोड कर चुके हैं तो उसके लिए पासवर्ड क्या डाला जाता है जिससे वो फाइल खुल जाए, ठीक है। तो अगर आपको भी जानना है तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बड़े आसानी से और सिंपल भाषा में आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं हूँ सूर्यप्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल चौबीस टेक्निकल। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन, ताकि हमारे तरफ बनेगा टिप सेंट्रिक वाली वीडियो या फिर कोई नॉलेजफुल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों यदि आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी जो लिंक है वेबसाइट की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके सीधे यहां पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आने के बाद दोस्तों क्या करना है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, नीचे आते हैं, यहां पर देखिए लिखा हुआ है आधार कार्ड डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड आधार, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नाम क्लिक करना होगा, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे देखिए क्या क्या मांगता है, या तो आपसे मांगा जाता है आधार कार्ड नंबर, ठीक है, या फिर आपसे मांगा जाता है एनरोलमेंट आईडी नंबर, या फिर आपसे मांगा जाता है वर्चुअल आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि आधार नंबर आपके पास होगा अगर तो दे सकते हैं, वर्चुअल आईडी आधार कार्ड नंबर के जस्ट नीचे लिखा होता है वो दे सकते हैं छोटे अक्षरों में, और वर्चुअल और एनरोलमेंट आईडी वो होता है जो अगर आप कुछ अपडेट कराते हैं अपना आधार कार्ड के अंदर तो यहाँ पर देकर अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम आधार कार्ड नंबर डालकर और इसको डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर आधार नंबर डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल दिया है, प्लस यहाँ पर जो यहाँ पर ये लिखा हुआ था कैप्चा उसको भी यहाँ पर लिख दिया है। अब दोस्तों क्या करना है, हमें सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, तो क्या होगा हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो उस पर एक नंबर आएगा, देखिए आ चुका है और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, देखिए ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो चलिए इसको ऊपर डाल देते हैं। यहाँ पर दोस्तों ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा होगा हाउ मेनी डेज डिड यू रिसीव रिप्रिंट आधार लेटर आफ्टर गेटिंग SMS फ्रॉम पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा 11 से 15 दिन, ठीक है, 30 पे भी क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों वेरीफाई एंड डाउनलोड, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल के अंदर जो मतलब ईमेल आईडी होगी वहाँ पर ही अपने आप डाउनलोड हो जाएगा गूगल ड्राइव के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर डाउनलोड करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ बातें समझा देता हूँ, ठीक है, और बाद में एक और बता दूंगा। यहाँ पर देखिए योर इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ आधार विल डाउनलोडेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए एक और चीज़ लिखी हुई है कि जब आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर लेंगे तो उस फाइल को खोलने के लिए ये सारी चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि पासवर्ड मांगा जाएगा PDF पासवर्ड। तो अगर मान लीजिए आपका नाम है यहाँ पर देखिए अनीस वाई कुमार, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, तो योर ईयर ऑफ बर्थ इज ये, ठीक है, अगर आपका जन्म डेट ये है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये है। तो दोस्तों आपका पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड के अंदर सिस्टम क्या है, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट फोर लेटर ऑफ योर नेम, यानी कि आपके नाम का शुरुआत के चार अक्षर वो कैपिटल में लिखने हैं, ठीक है, कैपिटल में लिखने हैं, प्लस ईयर ऑफ बर्थ इन YI फॉर्मेट, ठीक है। तो ऐसे आपको पासवर्ड लिखना है, आपके नाम का शुरुआती चार अक्षर बड़े अक्षरों में और आपका जो मतलब डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे तो आपका आधार कार्ड की जो फाइल है वो खुल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम ये वेरीफाई आधार पर डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए प्रोसेस ले रहा है, प्रोसेस लेने के बाद दोस्तों आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके गूगल ड्राइव के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको गूगल ड्राइव को यहाँ पर रीडायरेक्ट किया और जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आपसे पासवर्ड मांगता है, ठीक है। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, ये चार अक्षर मेरे नाम के हो गए प्लस जो मतलब मेरे डेट ऑफ बर्थ है,
ठीक है, ये मैंने डाल दिया प्लस इसको ओपन पे क्लिक किया। ओपन पे क्लिक करते दोस्तों मेरा जो आधार कार्ड है यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि आपके नाम का शुरुआती चार अक्षर बड़े अक्षरों में, ठीक है, चार अक्षर बड़े अक्षरों में प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका पासवर्ड हो जाएगा और ये खुल जाएगा। तो ये मेन बात यह है आपको ध्यान रखने की, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको अपना आधार कार्ड डाउनलोड करके दिखा दिया है, तो अब हम चलिए बात कर लेते हैं अगर आपके पास मान लीजिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो विदाउट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के कैसे आप आधार को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों अभी आपने देखा कि मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल करके समझाया कि आप अपने आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर आपके पास हो तो, ठीक है। प्लस आपको मैंने उस पासवर्ड वाला सिस्टम को भी समाधान उसके अंदर दे दिया है कि पासवर्ड क्या लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपके आधार कार्ड के अंदर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर था वो गुम हो चुका है तो हम ओटीपी कहाँ पर प्राप्त करेंगे, या फिर मोबाइल नंबर रजिस्टर है ही नहीं तो फिर कैसे हम अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका कोई मतलब घर बैठे समाधान नहीं है, इसके लिए मैं आपको सुझाव दे सकता हूं कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों के पास आधार सेवा केंद्र मतलब आधार कार्ड का जो काम करते हैं, आपने जन सुविधा केंद्र देखे होंगे, जिनके पास गवर्नमेंट के द्वारा दी गई आईडी और पासवर्ड होते हैं, जिनके पास एक अलग से अपना सिस्टम होता है, वो लोग क्या करते हैं, आपका अगर मान लीजिए आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो क्या होता है कि आप अपने अंगूठे के माध्यम से यानी कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सबसे सिंपल माध्यम है, आप किसी नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाइए और उनको बताइए कि हमें अपना आधार कार्ड को डाउनलोड करना है। डाउनलोड इसलिए करना है आपके पास, इसलिए हम आए हैं क्योंकि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर नहीं आधार कार्ड के अंदर। आप जब उनको बताएंगे तो अपने आप वो कह देंगे हाँ मोबाइल आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड को फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सुविधा हर इंसान को नहीं दी गई है, लेकिन मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो उसकी सुविधा हर इंसान के पास है, अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकता है। लेकिन मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो किसी कुछ मतलब लिमिट जो तय की गई है, कुछ लोग जिनका आईडी पासवर्ड दिया जाता है जो जन सुविधा केंद्र काम करते हैं वो आप आराम से वहां पे जाकर अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करा सकते हैं फिंगरप्रिंट के माध्यम से, ठीक है। दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई मतलब मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स है वहां पर अपने मतलब कमेंट को जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है वहां पर आपको आपके कमेंट देकर हम और नई वीडियो लेकर आए, या फिर आपको नीचे ही रिप्लाई कर दूं जिससे आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके, ठीक है। और दोस्तों आपकी जानकारी कैसी लगी, आपकी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला जो सीधा तौर पे आपके लिए हेल्पफुल साबित हो पाएंगे। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।